तो फ्रेंड, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 1,000, जी हाँ, 1,000 करंट अफेयर्स के एमसीक्यू, वो भी पूरे एक साल के, और वो भी बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल, बिहार स्पेशल में आप ध्यान रखेंगे, बिहार स्पेशल में आपका सीडीपीओ का एग्जाम आने वाला है, अभी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम होने वाला है, या फिर और भी कोई एग्जाम जो आपके मई और जून में शेड्यूल है, उसमें आपको ये बहुत हेल्प करेगा। बस आपको, अगर आपका एग्जाम जून में है तो बस आप, जबकि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये अप्रैल का महीना है, यानी मैं 6 अप्रैल को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यानी मई तक के सभी एग्जाम इसमें कवर हो रहे हैं। अगर आपका एग्जाम जून में है फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ जुलाई में है तो मंथली आपको एक बार देखना पड़ेगा, जो मंथली करंट अफेयर्स आते हैं वो, अदरवाइज कोई करंट अफेयर्स देखने की ज़रूरत नहीं है। ये गारंटी है मेरी कि 1,000 बोला हूँ तो 1,000 से ज़्यादा ही कराऊंगा, यानी 1,070 1,080 के आसपास कराऊंगा। ऐसा नहीं है कि थंबनेल लगाया 1,000 का और आपको मुश्किल से 200-100 बना के दे दिया, ऐसा मैं कभी हरगिज नहीं करूँगा। और मैं आपको कोशिश करूँगा कि एक ही वीडियो में आपको ये दे दूँ, एक ही वीडियो में दे दूँ 1,000। बना ले क्वेश्चन, कहाँ से बनाएंगे वो। चलिए ये थोड़ा इरेज कर देते हैं, उसके बाद हम आगे आपको लेके चलते हैं। तो आप लोग तैयार हैं, कमर कस लीजिए 5 से 6 घंटे का, और 5 से 6 घंटे में मैं आपको पूरा का पूरा करंट अफेयर्स करा दूंगा, डोंट वरी। चलिए, चूंकि मेरा लक्की नंबर है 102 तो मैं 102 से शुरू कर रहा हूँ। चलिए, तो क्वेश्चन है कि खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार खाद्य वितरण के मामले में बिहार में कौन सा जिला प्रथम स्थान आया है। बात प्रथम स्थान की हो रही है तो प्रथम स्थान लेकर आया है पूर्णिया जिला। प्रथम स्थान लेकर कौन आया है? पूर्णिया जिला। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गणतंत्र दिवस पर प्रदान किए गए पद्मश्री पुरस्कार में बिहार के किन व्यक्तियों को शामिल किया गया था? क्वेश्चन नंबर 103। मैं आपसे कोशिश करूंगा कि आप लोग भी मेरे साथ साथ लगाते रहें ताकि आप लोगों का भी प्रैक्टिस होता रहे। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको कर दूँ, अगर आपको वीडियो स्लो लग रहा है तो घबराने की कोई बात नहीं, YouTube के राइट हैंड साइड में ऑप्शन है स्पीड कंट्रोल करने का, आप 1.25 पर देखिए, 1.5 पर देखिए, 2 पे भी देखिए, क्योंकि यहाँ मकसद सीखने का नहीं है, मकसद है एग्जाम में क्वेश्चन टिक करने का, बस यहाँ रटना नहीं है, बस 10 बार सुनिए, 5 बार सुनिए, ये सही याद हो जाएगा। चलिए, 103 नंबर, गणतंत्र दिवस पर प्रदान किए गए पद्मश्री पुरस्कारों में बिहार के किन व्यक्तियों को शामिल किया गया था? तो ध्यान देने वाली बात है, ये शैवाल गुप्ता जी को भी शामिल किया गया था, ठीक है, और आचार्य चंदना जी को भी शामिल किया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। चलिए, हाल ही में क्वेश्चन नंबर 104, हाल ही में मनाए गए 73वें गणतंत्र दिवस पर, सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 73वां पूछ रहा है, 74 पूछ रहा है, 75 पूछ रहा है, मतलब ये पॉइंट आपको ध्यान रखना ही है कि कौन सा पूछ रहा है, 72 तो नहीं पूछ रहा, पता चले 72 पूछ रहा है 74 का मार के आ गए, 73 पूछ रहा है 71 का मार के आ गए, नहीं, ध्यान देने वाले, जहाँ पे भी मैं आपको हाईलाइट करूंगा उस पॉइंट को आपको गौर से देखना है। चलिए, हाल ही में मनाए गए 73वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में बिहार की कौन सी झांकी पहले स्थान पर आई थी? पहले स्थान पर आई थी, पॉइंट नोट कीजिए, पहले स्थान पर आई थी, क्वेश्चन नंबर 104, क्वेश्चन नंबर 104 का आंसर है बी, बिहार शिक्षा परियोजना बंदिशों से आजादी। थीम क्या था इसका? बंदिशों से आजादी। थीम क्या था? बंदिशों से आजादी। चलिए, 105, हाल ही में बिहार की किस महिला को उच्च शिक्षा निदेशक बनाया गया है? हाल ही में किस महिला को उच्च शिक्षा निदेशक बनाया गया है? क्वेश्चन नंबर 105, आंसर याद रखेंगे, डॉक्टर रेखा कुमारी, डॉक्टर रेखा कुमारी। देखिए, मैं एक बार क्वेश्चन बोल रहा हूँ, हाल ही में किस बिहार की किस महिला को उच्च शिक्षा निदेशक बनाया गया है, आप मन में ही मेरी बातों को अपने आप दोहराएं, उसके बाद मैं बोलूँ
कि इसका आंसर है डॉक्टर रेखा कुमारी। आप ए और बी ना मारे, अगर आप ए और बी मारे पता चला कि सेम क्वेश्चन दे दिया लेकिन ऑप्शन इधर उधर दिमाग में बैठा हुआ है, ए मारना है, पता चला रेखा कुमारी वहाँ डी पर बैठी हुई है, नीना गुप्ता ए पर बैठी हुई है, गलत हो जाएगा। तो ये सब ध्यान रखना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 पे आइए। हाल ही में जारी सूचना अनुसार बिहार में नशा मुक्ति अभियान के तहत, समाज में जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाएगी। इस पर बहुत बवाल हुआ था। इसमें नंबर वन पे थे लोग शिक्षक, शिक्षकों ने कहा अब जागरूकता अभियान हम ही करेंगे तो पढ़ाएंगे क्या। तो सरकार ने फिर एक नोटिफिकेशन जारी करके बोला था ये मैंडेटरी नहीं है लेकिन आपकी एक जिम्मेदारी बनती है, आपका एक ड्यूटी है कि समाज को सुधारने में सरकार की मदद करें। चलिए मदद होगा कि नहीं होगा ये बात की बात है हाल ही में, लेकिन सरकार ने अभी शराबबंदी के कानून में भी कुछ बदलाव किए हैं। चलिए एक बार पकड़े जाएंगे तो फाइन लगा के छोड़ दिया जाएगा, दो बार पकड़े जाएंगे तो जेल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 107। हाल ही में भागलपुर जिला के किस कर्नल को राज्यपाल फागू चौहान ने प्रशस्ति पत्र और 50,000 की राशि देकर सम्मानित किया है। प्रशस्ति पत्र प्लस सम्मान किया है। याद रखिएगा व्यक्ति का नाम है कर्नल विनय कुमार झा। चलिए क्वेश्चन नंबर 108। हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, बाबू बाल पुरस्कार के तहत बिहार में किसे सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में दो व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, यानी दो बच्चों को सम्मानित किया गया, और दो बच्चे कौन है। तो एक है धीरज कुमार जो पूर्वी चंपारण के हैं, और एक है पल साक्षी जो सारण की हैं और ये चंपारण के हैं। पू नहीं होगा, च होगा, जो भी है। चलिए आगे बढ़िए। 109 नंबर। हाल ही में बिहार पुलिस के कितने अधिकारियों एवं जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। टोटल लोग जो हैं वो 16 लोग हैं। 16 ऐसे लोग हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 और धड़ाधड़ लगाते रहिए साथ में। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, ध्यान रखिए सेंट्रल की बात हो रही है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बिहार के किस जिले का चयन राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए किया गया है। अभी हाल में आपने न्यूज देखा होगा पूर्वी चंपारण, उनके कलेक्टर को ये पुरस्कार भी दिया गया, एक प्रशस्ति पत्र भी दिया गया उनको। उन्होंने जल के लिए यानी राष्ट्रीय जल पुरस्कार में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा पूर्वी चंपारण को सम्मानित किया गया, और ये सम्मान किसको दिया गया, वहां के जो अभी कलेक्टर हैं उनको। चलिए हाल ही में जारी स्मार्ट सिटी रैंकिंग में देश में बिहार का कौन सा जिला 42वें स्थान पर आया है। लेकिन देश में 42वां स्थान प्राप्त किया है लेकिन राज्य में बाबू प्रथम स्थान प्राप्त किया है। दोनों में ध्यान देने वाली बात है, देश में 42वां स्थान और राज्य में प्रथम स्थान। गेस कीजिए कौन सा है, हम आपको दिखाते हैं तो कौन सा है। चलिए यहाँ पे आपके पास चार लोग हैं, मुजफ्फरपुर भागलपुर पटना बिहार शरीफ। आपने गेस किया होगा पटना, लेकिन आप गलत हैं, आंसर है इसका भागलपुर। हमको पता था गेस किए होंगे। चलिए हाल ही में बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री की 98वीं जयंती मनाई गई है। पूर्व मुख्यमंत्री की पूछ रहा है जी, अभी यहाँ अभी राजेंद्र बाबू का भी बनाया गया था, पता चले वो लोग भी मार दे रहे हैं। श्री कृष्ण का भी, कर्पूरी ठाकुर का भी बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन है सर, बिहार में किस पूर्व मुख्यमंत्री की 98वीं जयंती मनाई गई है। तो 98वीं जयंती मनाई है क्या बाबू, कर्पूरी ठाकुर जी की। श्री कृष्ण सिंह मार रहे हैं, बताइए कर्पूरी ठाकुर की। चलिए निम्नलिखित में बक्सर की किस शिक्षिका को विद्या वाचस्पी सारस्वत सम्मान से सम्मानित किया गया है। बहुत बड़ा सम्मान होता है ये, और ये व्यक्ति कहाँ के रहने वाले हैं, व्यक्ति नहीं है, शिक्षिका है, कहाँ की है, बक्सर की है।
तो दो चीज़ हो गया, कहाँ की पूछे तो बॉक्सर की या कौन है, तो मैं नाम यहाँ बता देता हूँ आपको, नाम आपको मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 113, इनका नाम है मीरा सिंह। इनका नाम क्या है? मीरा सिंह। इनका नाम क्या है? मीरा सिंह। हाल ही में बिहार की किस मॉडल के तर्ज पर अरुणाचल प्रदेश और झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में स्मार्ट क्लास, बाबूजी स्मार्ट क्लास बनाने की घोषणा की गई है? स्मार्ट क्लास बनाने की घोषणा की गई है। तो आपको पता है बांका में एक कार्यक्रम चला था जिसका नाम था उन्नयन बांका कार्यक्रम, उसी के तर्ज पर स्मार्ट क्लास बनाने की घोषणा की गई है। उन्नयन बांका कार्यक्रम, उन्नयन बांका कार्यक्रम, उन्नयन बांका कार्यक्रम, स्मार्ट क्लास उन्नयन बांका कार्यक्रम, समझे? चलिए, हाल ही में नालंदा महाविहार के किस सहायक प्रोफेसर को आसाम दधी महंत स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है? आसाम का ये सम्मान है और दिया किसे गया है? नालंदा महाविहार के सहायक प्रोफेसर को। गेस कीजिए सहायक प्रोफेसर का क्या नाम होगा? तो सहायक प्रोफेसर का नाम है डॉक्टर सुरेश कुमार। अरे इतने पढ़े लिखे होंगे तभी तो डॉक्टर लगाए हैं, तो इसी से भी अंदाजा कुछ लगाया कीजिए आप लोग। चलिए, हाल ही में मोतिहारी के किस किसान को अभिनव किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बहुत ही चर्चित व्यक्ति है, नाम है इसका विकास मिश्रा। नाम है विकास मिश्रा। चलिए, हाल ही में बिहार के किस जिले के डीएम प्रणव कुमार, नाम याद रखेंगे, प्रणव कुमार का चयन बेस्ट डीईओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर डीईओ के रूप में हुआ है, डीईओ के रूप में हुआ है, तो याद रखेंगे मुजफ्फरपुर के। बहुत ही बढ़िया काम किया इन्होंने। चलिए, हाल ही में पटना हाई कोर्ट के नए जज के रूप में राजस्थान हाई कोर्ट के कौन से जज ने शपथ ली है? तो यहाँ दो चीज क्लियर हो गया, एक तो पटना जज के नए हाई वो है जज हैं, लेकिन वो पहले कहाँ थे? राजस्थान हाई कोर्ट के। और नाम बताएंगे, नाम बताना है जस्टिस संजीव प्रकाश वर्मा, जस्टिस संजीव प्रकाश वर्मा। चलिए बढ़ते रहिए एकदम। हाल ही में बनने वाले इकोनॉमिक्स कॉरिडोर बनारस टू कोलकाता ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगा? तो कितने जिलों से होकर गुजरेगा, तो ध्यान रखने की बात है, 19, 119 बिहार में बनने वाले इकोनॉमिक्स कॉरिडोर कलकत्ता बनारस ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगा? तो बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगा, अब जी 4 जिलों से होकर गुजरेगा। अब यहीं पे क्वेश्चन पूछ दे कि बनारस से कोलकाता तक जो बुलेट ट्रेन प्रस्तावित है वो किस रेलवे स्टेशन से होकर गुजरेगी बिहार के? तो बाबूजी वो पटना होके नहीं गुजरेगी, वो सहरसा और गया होके गुजरेगी। तो बुलेट ट्रेन भी चला गया सहरसा गया, पटना वालों को कुछ नहीं मिला। चलिए, 120 नंबर, हाल ही में सिवान जिला के किस युवा चिकित्सक को ह्यूमेटेरियन एक्सीलेंस अवार्ड से 2021 से सम्मानित किया गया है? ह्यूमेटेरियन एक्सीलेंस अवार्ड 2021। क्वेश्चन नंबर 120, आंसर है इसका भी बी, डॉक्टर पुनीत राज सिंह। डॉक्टर पुनीत राज सिंह, हाल ही में कौन सा राज्य सरप्लस बिजली उत्पादन करने वाला राज्य बन गया है? सरप्लस बिजली, बाबू सरप्लस बिजली पढ़ रहे हैं, बिहार का करंट अफेयर्स, आँख बंद करके मारेंगे बिहार, आँख बंद करके मारेंगे बिहार, तोड़ देंगे। चलिए, 122, 122, हाल ही में लोक शिकायत प्रशासन विभाग द्वारा जारी रैंकिंग में लोक शिकायत निपटारा में, यानी निपटारा में, निपटारा कहिए या निपटारा कहिए, निपटारा में राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? बताइए, इसमें भी अब रैंकिंग जारी होने लगा, अब कब बार से हो रहा था, लेकिन इस बार देखते हैं कि कौन टॉप किया है। तो बाबूजी 122 टॉप किया है। अरे कहाँ भागलपुर दौड़ रहे हैं, यहाँ है अपना रोहतास जिला, सबसे शिक्षित जिला बिहार का। चलिए, हाल ही में फिल्म अभिनेता मनोज वाजपेयी के जीवन पर आधारित पुस्तक कुछ पाने की जिद किसने लिखी है? तो बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं ये, इन्होंने लिखी है, जिनका नाम है पीयूष पांडे। पीयूष पांडे, इनको इनको पुरस्कार भी दिया गया है, इनको एक पुरस्कार भी दिया गया है, और उस पुरस्कार का हम जिक्र आगे करेंगे, लेकिन तब तक आप सोचिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि
कि वो कौन सा पुरस्कार इनको दिया गया है। तो सोच विचारी हो गया हो, आगे बढ़ते हैं। तो सोचा विचारी करने के बाद आप बता दीजिएगा, कमेंट में लिख दीजिएगा उनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है, बाकी अगर आगे मैं बता ही दूंगा। तो बिहार के किन बाल वैज्ञानिकों का चयन इंस्पायर अवार्ड मानक में हुआ है? तो इंस्पायर मानक अवार्ड जो होता है उनमें किन बालक वैज्ञानिकों का हुआ है? तो बालक वैज्ञानिकों में दो लोग हैं, बालक वैज्ञानिकों में दो लोग हैं, तो दो लोग यही हैं, ए और बी, एक हैं प्रिया कुमारी और एक हैं सूरज प्रताप, एक हैं प्रिया कुमारी, एक हैं सूरज प्रताप। चलिए, हाल ही में चल रहे इंडिया स्किल्स की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार के युवा कितने मेडल जीतने में सफल रहे? बिहार में के इंडिया स्किल्स की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार के कितने लोग मेडल जीतने में सफल रहे? तो अंदाजा लगा लीजिए। कहाँ अंदाजा लगा रहे हैं, सबसे कम जान मारिए ना। चलिए, हाल ही में घर बैठे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से बक्सर के चौसा में कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? बक्सर का चौसा, जहाँ से गंगा एंट्री मारती है, चौसा का युद्ध भी हुआ था, बक्सर की लड़ाई भी हुई थी, वहाँ पे एक ऐप को लॉन्च किया गया है, उस ऐप का नाम बताना है और उस ऐप का नाम है मनरेगा परवरिश रोजगार ऐप। कुछ लंबा नाम है, छोटा सोच रहे थे रोजगार ऐप तो प्राइवेट का है। चलिए, हाल ही में बिहार के किस जिले में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की गई है? 127 नंबर, जिले का नाम है मधेपुरा, जिले का नाम है मधेपुरा। चलिए, हाल ही में बिहार के किस जिले में से बनी पहली सांसद शकुंतला देवी का निधन हो गया है? बिहार के किस जिले से बनी पहली सांसद, बाबू याद रखिएगा, पहली सांसद शकुंतला देवी का निधन हो गया है। तो कहाँ की रहने वाली थी और कहाँ से ये सांसद थी? तो ये सांसद थी बांका की। हाल ही में जहानाबाद के किस युवा वैज्ञानिक को वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो 2021 से सम्मानित किया गया है ओम प्रकाश गुजेला को। हाल ही में बांग्लादेश में चल रहे एशियन फ्रेंच बॉक्सिंग चैंपियन में भारत के कितने बॉक्सरों ने देश के लिए पदक जीता है? और देश के लिए कितने लोगों ने पदक जीता है? फिर गलत सोच रहा है, कम सोचो ना, उधर 11 सोचो, इधर 4 सोचो। चलो, हाल ही में बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद द्वारा सेना दिवस के अवसर पर किस पुस्तक का हिंदी विमोचन किया गया? हिंदी पूछ रहा है, हिंदी, ऑपरेशन खुकरी। चलिए, क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर आगे दिखाता हूँ। हाल ही में इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना है? गेस कीजिए। चलिए, मैं आपको आंसर ही दिखा देता हूँ, और ये जिला है, आपने शायद गेस नहीं किया होगा, अगर आपने पटना गेस किया है तो पटना, अगर आपने गेस किया है तो आपने गलत गेस किया है। अगर आपने पटना गेस किया है तो आपने गलत गेस किया है। इसका राइट आंसर है नालंदा। इसका राइट आंसर जो है वो क्या है? नालंदा। चलिए, हाल ही में बिहार के प्रधानाध्यापक मनकेश्वर प्रसाद को अप्रेंटिस अवार्ड से नवाजा गया है, वो किस जिले के रहने वाले हैं? देखो, हम बोले ना, हम गलत पढ़े, लेकिन गलत रिपीट मत कर देना। अरे, अप्रिशिएटिव अवार्ड है, अवार्ड अप्रिशिएट करने के लिए दिया जाता है, तो अवार्ड अप्रिशिएट करने के लिए दिया गया है, तो भाई है तो दिया तो गया है मंकेश्वर प्रसाद, लेकिन कहाँ के रहने वाले हैं? बात यहाँ पे बात अटकी है। अब ये मोतिहारी के रहने वाले हैं, रहने कहाँ का है, मोतिहारी के रहने वाले हैं। थोड़ा टेंशन नहीं लेके पढ़िए, जरा हम धीरे चल रहे हैं तो आप स्पीड बढ़ा लीजिए, ठीक है भैया? हाँ, लेकिन अभी सोचिएगा कि बहुत धीरे पढ़ा रहा है, बहुत धीरे बता रहा है, तो हम छोड़ देते हैं। अरे, छोड़ देंगे तो गलती करेंगे ना, आप स्पीड बढ़ा लीजिए, ऑप्शन तो है ही आपके पास, स्पीड बढ़ा लीजिए। क्योंकि हम स्पीड से नहीं बोल सकते हैं, लेकिन वीडियो ना स्पीड से चल सकता है, मशीन स्पीड से चल सकता है, आदमी थोड़ी चल सकता है। हम मुँह से बोलेंगे, आप स्पीड बढ़ा दीजिए, दुगुना कर लीजिए, देखते रहिए। लेकिन चलिए, हाल ही में जिले में स्थित जगत झील पर्यावरण यानी
गलतियां लिख दिया है पर्यावरण। पर्यावरणविदों की टीम ने पक्षियों की गणना का कार्य शुरू किया है, कहाँ से किया है, जगतपुर झील। मैंने आपको बताया था, सही आपने वीडियो नहीं देखा हो तो देख लीजिए, ये सब चीज़ मैंने डिस्कस किया है। जगतपुर जो झील है, ठीक है, जगतपुर जो झील है वो भागलपुर में है, भागलपुर, ठीक है। विक्रमशिला आपने अगर नाम सुना होगा तो विक्रमशिला में दो झील है, एक विक्रमशिला झील है और एक जगतपुर झील है। चलिए आगे बढ़िए। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बात हो रही है ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड, डॉक्टर संजीव कुमार, याद रखेंगे डॉक्टर संजीव कुमार। ई श्रम पोर्टल और संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के निबंधन के मामले में बिहार कौन से स्थान पर आया है? बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है बिहार ने और तीसरे स्थान पर आया है। बिहार के स्थान पर आया है, तीसरे स्थान पर आया है। चलिए, कौन सी संस्था अति संवेदनशील भूकंप क्षेत्र में अति संवेदनशील भूकंप क्षेत्र में स्थित उत्तर बिहार की मिट्टी पर रिसर्च करेगी? बाबू, मिट्टी पर रिसर्च करेगी, इतना रिसर्च हो ही रहा है, सब कुछ हो ही रहा है, ये भी रिसर्च हो जाए, ठीक है बाबू। NIFT तो है नहीं बिहार में, तो 137 नंबर का आंसर हो जाएगा। कोई लोग गेस करेंगे IIT, कुछ लोग गेस करेंगे NIT, MIT तो है ही नहीं, MIT तो है मुजफ्फरपुर में, ठीक है। तब तो गेस कर लीजिए, NIT, IIT, NIT है तो फैशन टेक्नोलॉजी वाला है, नहीं गेस किए तो ये है मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। अभी गड़बड़ सर वो गेस करता रहता है लड़का सब। चलिए, हाल ही में पटना के किस युवा अभिनेता का चयन भारत सरकार द्वारा जूनियर फेलोशिप के लिए किया गया है? बाबू, ये अभिनेता हैं और अभिनेता का चयन हुआ है जूनियर फेलोशिप के लिए, 138 नंबर। इनका नाम है कुमार रविकांत, इनका नाम है कुमार रविकांत, सुबोध हो किसी किसी को याद आ रहा होगा। चलिए, हाल ही में जारी आदेश के मुताबिक बिहार के सरकारी कर्मचारी कितनी बार प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हो सकेंगे? हाल ही में जारी आदेश के मुताबिक बिहार के सरकारी कर्मचारी कितनी बार प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हो सकेंगे? ये बहुत बड़ा डिसीजन है, 3 बार। मैंने अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो 3 बार ही आपके पास अपॉर्चुनिटी है, हम लोग नहीं है तो हम लोग के पास तो उम्र भर की है बेरोजगारी। चलिए, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा चाय की खेती करने पर किसानों को कितना प्रतिशत अनुदान देने की घोषणा की गई है? बाबू, अनुदान देने की बात हो रही है और वो है 50%, 50% अनुदान दिया जाएगा चाय की खेती करने के लिए। और आपको पता है चाय की खेती ऊपर वाले क्षेत्र में किया जाता है, उत्तर साइड में। चलिए, हाल ही में हजारी मैंने कुछ भी हाजीपुर के किस युवा किसान को इंडिया स्टार अवार्ड 2020, भैया सन ध्यान रखिएगा, 141 इंडिया स्टार अवार्ड 2020, 141 नाम है इनका, संजीव कुमार। चलिए, बिहार में 15 से 18 वर्ष के तक के किशोर किशोरियों को कोविड टीकाकरण कब से शुरू किया गया है? कोविड किशोर किशोरियों का टीकाकरण 3 जनवरी से शुरू किया गया था। किस जनवरी से? 3 जनवरी से, 142 का सी, 3 जनवरी, 142 का सी, 3 जनवरी। चलिए, 100 थोड़ा हम धीरे चल रहे थे, अब हमको लग रहा है कि आप लोग स्पीड नहीं बढ़ाइएगा, हम ही को स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। चलिए, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार की जनसंख्या की लिस्ट जारी की गई थी, इसके अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी हो गई है? कितनी हो गई है बाबू? 14,91,41,337। चलिए, हाल ही में युवा साहित्यकार अभिषेक राज को नेशनल चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बिहार के किस जिले से रहने वाले हैं, किस जिले से संबंधित हैं? अब इनका नाम है अभिषेक राज और संबंधित है नवादा जिले से। हाल ही में बिहार के किस नगर निगम के विकास के लिए सबसे अधिक 66.53 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं? 145 गेस कीजिए, इसका नाम है पटना। नगर निगम को नहीं करेगा तो साफ सफाई कैसे करेगा सब। हाल ही में पटना हाई कोर्ट ने नए जज के रूप में राजस्थान के हाई कोर्ट के कौन से जज ने शपथ ली थी? पीछे मैंने डिस्कस किया, दोबारा मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो 146 नंबर। नाम दोबारा तो अगर आपके पास आ गया तो बताए, डॉक्टर संजीव प्रकाश वर्मा क्या आप लोग। चलिए, हाल ही में नीति आयोग द्वारा डेल्टा रैंकिंग में 115 आकांक्षी जिलों में बिहार के किस जिले में भारत में पहला स्थान प्राप्त किया है? आकांक्षी जिला
डेल्टा रैंकिंग 115 आकांक्षी जिलों में, बिहार के किस जिले ने भारत में पहला स्थान प्राप्त किया है? 147 खगड़िया, सबसे खगड़िया। बिहार के कौन से विभाग द्वारा बिहार डायरी एवं कैलेंडर 2022 को प्रकाशित किया गया है? 2022 को प्रकाशित किया गया है किस विभाग ने? बिहार डायरी एवं कैलेंडर 2022, बाबू 2022 की बात हो रही है, अब 2022 आपके पास ऑप्शन है, गृह विभाग, अल्पसंख्यक विभाग, सूचना एवं संपर्क विभाग, वित्तीय विभाग, 148 सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। हाल ही में प्रशासनिक नियंत्रण, 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, चलिए वापस आइए, 2 मिनट खत्म हुए। चलिए, हाल ही में प्रशासनिक नियंत्रण विधि व्यवस्था के बेहतर संचालन के लिए कौन से जिले को, जिले की जमीन को पटना जिले में शामिल किया गया है? तो याद रखेंगे दो जिले हैं इसमें, एक तो है सहरसा और एक है सारण, एक है सहरसा और एक है सारण। लेकिन अब उस सहरसा का कहाँ से लगता है पटना से बाउंड्री? पटना से बाउंड्री 9 जिलों को ही लगता है। पटना की बाउंड्री कितने जिलों से लगती है? 9 जिलों से लगती है, भाई वैशाली और सारण, ठीक है, मतलब टिक मार दिए तो एकदम अनभून कर मत चले जाइए। हाल ही में पटना के किस युवा लेखक की पुस्तक भविष्यता को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के युवा पुरस्कार के हिंदी श्रेणी में जारी सूचना में शीर्ष 17 किताबों में स्थान प्राप्त हुआ है? शीर्ष 17 किताबों में स्थान प्राप्त हुआ है, अब नाम याद रखेंगे, अभिलाष दत्ता। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा कौन से संक्रमण से पीड़ित होने पर व्यक्तियों के साथ भेदभाव करने पर दंडित करने की घोषणा की गई है? एड्स। चलिए, ये हाल ही में पटना उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? सोचिए, सोच लिया आपने? चलिए, उपभोक्ता विभाग की बात हो रही है, ठीक है, और उपभोक्ता विभाग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं बिंदु भूषण पाठक जी। बिहार का पहला सोलर प्लॉटिंग प्लांट जो तैरता रहेगा किस जिले में बनाया गया है? तो किस जिले में बनाया गया है? दरभंगा में। किस जिले में बनाया गया है? दरभंगा में। अब आप सोचेंगे कि भाई दरभंगा में कहाँ बनाया गया है, तो दरभंगा में एक झील है, उसी झील में इसको बनाया गया है। चलिए आगे बढ़िए। हाल ही में सारण जिले के किस व्यक्ति को माखन लाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता अवार्ड से सम्मानित किया गया है? माखन लाल चतुर्वेदी, अमरेंद्र कुमार आर्य। हाल ही में किस योजना के तहत बिहार में जल्द जल मार्ग, सड़क मार्ग और रेल मार्ग का साधा जंक्शन बनाया जाएगा? किस योजना के तहत बनाया जाएगा? तो योजना का अपने नाम याद रखेंगे, पीएम गति शक्ति योजना। हाल ही में सिवान जिला के किस व्यक्ति को राज्य स्वास्थ्य मंत्री एवं पंचायती राज मंत्री ने बिहार श्री सम्मान से सम्मानित किया गया? श्री सम्मान किसे दिया गया? वो सिवान जिले का रहने वाला है, तो सिवान जिले का रहने वाला व्यक्ति का नाम है डॉक्टर मुकुल कुमार सिंह। बिहार के किस संस्थान ने ओमिक्रॉन की पहचान के लिए जीनोम्स अनुक्रमण शुरू की गई है? तो आईजीएमएस पटना। जीनोम सिक्वेंसिंग जो कहाँ की जाती है? IGMS पटना में। हाल ही में पटना जिले के किस व्यक्ति को बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है? अनुराग कुमार को। निम्नलिखित में किसे हाल ही में बिहार के पिछड़े वर्ग के आयोग के रूप में अध्यक्ष बनाया गया है? आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? न्यायमूर्ति संजय कुमार को। बिहार का नया मुख्य सचिव किसे बनाया गया है? तो याद रखेंगे इसका, अमीर शुभहानी। ये पहले भी थे, बीच में कोई और आया, फिर इनको दोबारा बना दिया गया। चलिए 161, बिहार राज्य के किस जिला में कृषि मंत्री द्वारा बिहार गुरु डायरी का लोकार्पण किया गया? मुजफ्फरपुर में, बिहार गुरु डायरी। चलिए, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नीरा के उत्पादन के लिए कितने रुपये की अनुदान राशि देने की घोषणा की है? नीरा के उत्पादन के लिए कितने रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है? 1 लाख रुपया। चलिए
अब 163 पे आइए। हाल ही में किन दो मैथिली लेखकों को 2021 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दो लोग हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार का युवा पुरस्कार, साहित्य अकादमी दो होता है उसमें भी युवा पुरस्कार, युवा पुरस्कार किसे दिया गया है? युवा पुरस्कार दो लोगों को दिया गया है, उसमें एक नाम है अनमोल का और एक नाम है अमित जी का। चलिए, हाल ही में बनारस के तर्ज पर बिहार के किस जिले में सीएनजी स्टेशन बनाने की घोषणा की गई है? बिहार में किस जिले में सीएनजी स्टेशन बनाने की घोषणा की गई है? पटना में। हाल ही में कौन सा विभाग मुख्यमंत्री किशोरी योजना के लिए 92 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं? 92 करोड़ रुपया जारी किया है 165 शिक्षा विभाग, किशोरी योजना, किशोरी योजना के तहत 92 करोड़ रुपया। चलिए, बिहार के कृषि को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन ट्रायल रन कहाँ किया जा रहा है? ड्रोन ट्रायल रन कहाँ किया जा रहा है? पुनपुन और पटना में। चलिए, हाल ही में एसोसिएशन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ एशिया द पैसिफिक ने राज्य के किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सुनैना को रिसर्च एंड इनोवेटिव कमेटी का सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो सलाहकार नियुक्त किया गया है नालंदा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं जिनका नाम है प्रोफेसर सुनैना। चलिए, हाल ही में, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन सुन लीजिए। हाल ही में मगन यूनिवर्सिटी के कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो जो जेपी यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं उन्हीं को उनको नियुक्त किया गया है कार्यवाहक के समय, कार्यवाहक के लिए। चलिए, 168, हाल ही में किस राज्य के 42 अधिकारियों को पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? 42 अधिकारी हैं, सम्मानित किया गया है, और बिहार पढ़ रहे हैं तो आँख बंद करके मार दीजिए बिहार, क्या सही हो जाएगा? बोलिए यस और नो। भाई सही है, बिहार पढ़ रहे हैं, बिहार में ही मारेंगे, हाल ही में बिहार में। चलिए, हाल ही में बिहार में वर्ष 2021 में 10 करोड़ से अधिक टीकाकरण करने वाले राज्य में राज्य की सूची कितने नंबर पे आई है? तो कितने नंबर पे आई है सब लोगों को पता है, ढिंडोरा पीट रहे थे नीतीश कुमार, हमने इतना टीकाकरण कर दिया, 5 नंबर पे। चलिए, हाल ही में गुवाहाटी में आयोजित ईस्ट जोन यूनिवर्सिटी बैडमिंटन प्रतियोगिता में बिहार की किस विश्वविद्यालय ने टीम ने 4वां स्थान प्राप्त किया है? चलिए, ईस्ट जोन यूनिवर्सिटी बैडमिंटन प्रतियोगिता में बिहार के किस विश्वविद्यालय की टीम ने 4वां स्थान प्राप्त किया है? भाई एक दो नंबर होता तो वाला सोचते, 4वां स्थान प्राप्त किया फिर भी, लेकिन करंट अफेयर्स है, कुछ भी स्थान प्राप्त किया है पढ़ना ही है। नाम है इसका ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, जो कहाँ पे है, दरभंगा में। हाल ही में जारी किए गए स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार किस स्थान पर आया है? अब 28 जिला है इसमें, देख लीजिए किस जिला पर आया होगा, गेस कीजिए। कितना लोग गेस कर दिया हुआ, 19 नंबर पे, तब 18 नंबर पे आया है, यानी 18 नंबर पे। यानी कहने का मतलब है कि अभी भी स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं बिहार में जो दी जा रही हैं वो कहीं ना कहीं और राज्यों से अपेक्षाकृत क्या ना के बराबर है। चलिए, ट्रैफिक पुलिस ने जवानों को वर्दी पर कैमरा लगाने का निर्णय दिया है, इसकी शुरुआत बिहार के किस जिले से की गई है? बहुत ही चर्चा में आया हुआ था, किस जिला से किया गया है? चलिए हम बताते हैं, पटना, नालंदा, गया, कहाँ से किया गया है? चलिए बताइए, आपके पास ऑप्शन है, एक है जहानाबाद, पटना, नालंदा, दो तो हम ही बोल दिए थे तो आंसर आप बता ही दीजिए, तो हम दो तो बोल ही दिए थे ना, पटना और नालंदा। चलिए, बी और सी आंसर। चलिए, हाल ही में बिहार और झारखंड के आयकर कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? महासंघ कर्मचारी, आयकर कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने हैं रूपक प्रसाद, वो कौन बने हैं? रूपक प्रसाद। हाल ही में पूर्णिया जिले के किस महिला ने राज्य स्तरीय भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान लाकर जिले को गौरवान्वित किया है? जिला को गौरवान्वित किया है रिया गांगुली ने, और रिया गांगुली रहने वाली है पूर्णिया जिले की। चलिए, हाल ही में बिहार के किस जिले ने के जवान शिवजी यादव जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर आतंकी गोलाबारी में शहीद हो गए? तो ये बहुत दुखद घटना थी, और वो जो रहने वाले थे वो सिवान के रहने वाले थे, कहाँ के रहने वाले थे, सिवान के। चलिए, 176, हाल ही में समस्तीपुर जिला के किस कलाकार ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम में मिथिला रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है? मिथिला रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है कृष्ण कुमार ठाकुर। हाल ही में जारी सूचना अनुसार किस राज्य के नई पहल के तहत डाक विभाग द्वारा कोरोना पीड़ितों के घर तक मुफ्त दवाइयां पहुंचाई जाएगी? और वो व्यक्ति, वो राज्य कौन सा है? बिहार, जो बोला है कि पोस्ट जो डिलीवर करते हैं वो दवाइयां भी अब डिलीवर करेंगे। चलिए, 178, हाल ही में लखीसराय जिला के किस व्यक्ति को लेट्स इंस्पायर बिहार कार्यक्रम में
उद्यमी सामाजिक कार्य के लिए सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है अजय कुमार को। बिहार के किस जिले में हाल ही में 29वीं पुष्प प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है? ध्यान रखेंगे 29वीं पुष्प प्रदर्शनी यानी फूलों का प्रदर्शन कहाँ किया गया है? 179 दरभंगा में। हाल ही में जारी स्वास्थ्य बुद्धिशील प्रगति रैंक में बिहार कौन से पायदान पाया है? बुद्धिश मान स्वास्थ्य बुद्धिशील प्रगति रैंक ईवी रैंक जारी होने लगा, 11वें नंबर पे आए हैं। उधर 18वें नंबर पे, इधर 11वें नंबर के। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के किस राज्यसभा सदस्य का हाल ही में निधन हो गया है? तो हाल ही में निधन हो गया था महेंद्र प्रसाद जी का, अभी आप लोगों ने न्यूज सुना होगा। बिहार राज्य के किस सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीन अधिग्रहण के बजाय जमीन खरीदने का निर्णय लिया है? अब अधिग्रहण से काम नहीं चलेगा, खरीद ही लो बिहार, झमेला ही खत्म करो, ठीक है। चलिए 182, आइए 189, देखो मुस्कुरा गए ना, 183 बोल रही थे। चलिए बिहार में उद्यमिता विकास के लिए कौन सा वेबसाइट लॉन्च किया गया है? 183 लेट्स इंस्पायर बिहार। अभी आपने देखा होगा कि जो हमारे स्पेशल फोर डीजी हैं वो इसका प्रचार कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं वो, लेट्स इंस्पायर बिहार, डॉक्टर वैभव जी नाम है उनका, आगे का नाम आप लोग भी ढूंढिए, सब मैं ही बता दूँ। औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीन अधिग्रहण के लिए जमीन खरीदने के बारे में निर्णय लिया है, बताई दी आपको बिहार को। हाल ही में समस्तीपुर के किस कलाकार ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या मिथिला, दो बार हो गया क्या जी? नहीं, अच्छा रिपीट हो गया, सॉरी कोई बात नहीं, बताई देते हैं। चलिए समस्तीपुर जिले के किस कलाकार उत्तर अयोध्या में मिथिला रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है? अभी आप मैंने आपको बताया कि कृष्ण कुमार ठाकुर जी हैं वो। और हाल ही में पुलिस द्वारा किस ऐप को लॉन्च करने पर घोषणा की गई है? बिहार पुलिस द्वारा किस ऐप को लॉन्च करने की घोषणा की गई है? 186 से, नाम है इसका चक्र, नाम है इसका चक्र। बिहार के किस विश्वविद्यालय ने नए साल के अर्थात 2022 से हिंदू स्टडीज सनातन की पढ़ाई शुरू होगी? सनातन धर्म की पढ़ाई शुरू कराने का काम किसने यानी जिम्मा किसने उठाया है? तो आपको पता है कि शुरुआत से ही सनातन धर्म की पढ़ाई नालंदा विश्वविद्यालय में होती थी और इसको उन्होंने बोला है कि फिर से करेंगे। ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि एंशियंट हमारा विश्वविद्यालय है और इनका बहुत नाम भी है। चलिए हाल ही में बिहार के किस जिले में सरकार ने मैग्नाइट और गैल्कोनाइट की खोज की अनुमति दी है? देखिए मैंने आपको बताया था कि जब आप बेल्ट में, अच्छा आप लोगों को वीडियो नहीं देखा है तो देख लिए, मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो डाला है मैप से संबंधित, उसमें मैंने मैप से संबंधित खनिज नदी मैंने जितने भी मैप के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं ना दिखाया, उसमें आपको इजीली याद हो जाएगा कौन जिला कहाँ है, कौन कैसे क्या है। तो देखिए जो नीचे का होता है ना, जो धारवार क्रम की जो चट्टाने होती है उसमें खनिज बहुत पाया जाता है। तो आपको पता है कि धारवार क्रम की जो चट्टाने हैं वो नीचे की तरफ है, कैमूर रोहतास वाले वो नवादा वाला जो क्षेत्र है उधर ही है। तो हाल ही में बिहार के किस जिले में सरकार मैग्नेटाइट गैल्कोनाइट की खोज की अनुमति दे दी है? तो आप भी पता है इसमें जमुई और रोहतास जो होंगे यानी बी और सी दोनों। आपको लग रहा था ये बात कि बी और सी मतलब कुछ भी, बी और सी सब में थोड़ी हो जाएगा आंसर, फिर से सोच लीजिए, पटना है, ठीक है। सरकार ने मैग्नेटाइट और गैल्कोनाइट की खोज की दे, क्योंकि पटना को ही समझा जा रहा है कि एंशियंट में वहाँ पे कुछ जो अब अगम कुआं वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे मिलने की संभावना है तो दे दिया है, पुनपुन वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे भी मिलने की संभावना है तो दे दिया है, लेकिन अब भगवान जाने मिले या ना मिले। चलिए हाल ही में बिहार में नल जल योजना की गड़बड़ी शिकायत करने के लिए विभाग ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? अगर आपको नल जल से पानी नहीं आ रहा है तो आप कहाँ करेंगे? निश्चय पोर्टल। और क्योंकि प्रधानमंत्री का 7 निश्चय प्रोग्राम था उसमें से एक हिस्सा ये भी था, इसलिए उसका पोर्टल का नाम भी रख दिया निश्चय पोर्टल, पानी आए ना आए इस पर कंप्लेंट कीजिए। चलिए बिहार के किस नदी पर देश का सबसे लंबा, बिहार के किस नदी पर ध्यान दीजिए ये देश का सबसे लंबा सड़क पुल बनाने जा रहा है, सबसे लंबा सड़क पुल बनने जा रहा है, तो पगला मारा होगा सब, गंगा नदी कोसी नदी पर बन रहा है। किस नदी पर बन रहा है? कोसी नदी पर बन रहा है। चलिए
हाल ही में बिहार राज्य के बॉडी बिल्डर प्रतियोगिता में बिहार शरीफ के किस व्यक्ति ने चैंपियंस ऑफ द चैंपियंस का खिताब जीता। बॉडी बिल्डर है तो ऑलरेडी नाम जानबे करते हैं, सोनू कुमार। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस पर्यटन स्थल पर बोट सफारी शुरू की है। बोट सफारी, जू सफारी की बात नहीं हो रहा बाबू, बोट सफारी। हाँ, जू सफारी राजगीर में शुरू हुआ है, बोट सफारी की बात हो रहा है। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण, ठीक है, कुकेश्वर कुशेश्वरनाथ बेगूसराय, ठीक है, नागानट्टी जमुई। चलिए 192 के बाद आता है नंबर 193 का, 193 का। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ऑपरेशन प्रसार, प्रहार लिखा है, हम पढ़ रहे हैं प्रसार, थोड़ा बोलते देखा बो, हम खाली बोले तो एक बार देखो, एक बार देखे तो कोई बोलो, चल मजाक कर रहे हैं बाबू। चलिए ऑपरेशन प्रहार शुरू किया गया है 193। ऑपरेशन प्रहार का मतलब होता है, बात हो रही है बिहार की तो ऑप्शन मारेंगे बिहार। हाल ही में नालंदा जिले के किस व्यक्ति को नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एक ही व्यक्ति हो सकते हैं, नाम है संजीव कुमार, मेरा आइडिया सही था। हाल ही में बिहार में पहली बार आयुष्मान भारत कार्ड में कौन सी बीमारी के इलाज का पैकेज जोड़ा गया है। कौन सा अगर बीमारी आपको हो जाएगा तो उसमें, जैसे किडनी आपको ट्रांसप्लांट कराना हो तो आप आयुष्मान भारत कार्ड से भी आपका किडनी ट्रांसप्लांट हो जाएगा, यानी 10 लाख का तो बचत आसानी से आप कर सकते हैं। चलिए हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में पुस्तक द लास्ट एमोंग इक्वल्स पावर, द लास्ट एमोंग इक्वल पावर कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन द बिहार विलेजेस का विमोचन हुआ। इसके लेखक कौन है, बहुत लंबा नाम है, लास्ट एमोंग इक्वल्स पावर कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन द बिहार विलेजेस, इसका विमोचन हुआ है, इनके लेखक कौन है। तो भैया लेखक हैं भाई, आम आदमी तो होंगे नहीं, डॉक्टर एम आर शरण। हाल ही में आई परिवहन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सड़क दुर्घटना में कितने प्रतिशत की कमी आई है। कमी आई है तो बड़ी बढ़िया की बात है बाबू, कमी आई है, ध्यान दीजिएगा, कमी आई है 13.7% की, 13.7% की। और हाल ही में जारी क्राइम ब्यूरो के अनुसार जो बिहार में क्राइम है उसमें जो रैंकिंग आई है बिहार की वो 25 नंबर पे आई है, यानी बहुत बढ़िया रैंकिंग आई है। 28 गो जिला है उसमें 25, यानी 27, 26, 25, यानी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा, एक नंबर पे नहीं आया ना क्राइम में, बाकी सब एक नंबर पर रहे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 29 दिसंबर को बिहार के किस प्रसिद्ध साहित्यकार की 119वीं, उधर देखिएगा 90 वाला मनाए थे लो ना, अब 119 वाला मनाने जा रहे हैं, तो किसका हम लोग मनाए थे, ये मनाए थे राम वृक्ष बेणीपुरी जी का, 198 राम वृक्ष बेणीपुरी, 119वां। हाल ही में समस्तीपुर रेल मंडल ने किस कर्मी को मैन ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये सम्मानित किया गया है दो व्यक्ति को, एक तो उमा शंकर पोद्दार जी को और धर्मेंद्र कुमार जी को, ए और बी, 199। चलिए 200 यहाँ लेंगे, 200 पर 2 मिनट का ब्रेक। चलिए हाल ही में भोजपुर जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन में सुर साहित्य में जीवन, अरे जीवन में भी कौन सा जीवन, ग्रामीण जीवन एवं संस्कृति पुस्तक का लोकार्पण हुआ है। इसके लेखक कौन है तो इसके लेखक है डॉक्टर सत्यनारायण उपाध्याय। टेक ए 2 मिनट ब्रेक, आई विल कम। चलिए हो गए 2 मिनट, वापस आ जाइए, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। चलिए हाल ही में प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान लेकर आया है। साक्षरता अभियान में बिहार का प्रथम जिला मिला है मधुबनी को। हाल ही में दरभंगा जंक्शन के बाद किस जंक्शन पर क्विक वॉटरिंग सिस्टम लगाया गया, ठीक है, ये होता क्या है, ये मुजफ्फरपुर पर लगाया जाएगा, धुलाई उलाई के काम में आता है। चलिए 102 हो गया, अब 103। हाल ही में अंडर 15 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में भारत के किस युवा ने कांस्य पदक जीता है, नाम है इसका प्रिंस यादव। चलिए बिहार के कौन सा शहर देश का पहला आयुध निर्माणी शहर बन गया है, कौन सा शहर जो है आयुध निर्माणी शहर बन गया है, अब आयुध निर्माणी शहर बन गया है, ऑप्शन जिसमें पटना दिया नहीं है, तो
उसके बाद आपके पास ऑप्शन बचता है, एक तो सासाराम, एक है हाजीपुर। अब आप गेस कीजिए आपके अनुसार क्या होगा। कोई नहीं है, राजगीर है, मतलब कुछ भी। हाल ही में किस राज्य के म्यूजियम का अनुकरणीय प्रदर्शन पर पुरस्कार दिया गया है? म्यूजियम का अनुकरणीय पुरस्कार दिया गया है, अब बिहार का बात करें तो बिहार में मिलेगा। हाल ही में किस राज्य के म्यूजियम को अनुकरणीय पुरस्कार दिया गया है? तो दिया गया है बिहार को, रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। अब 1000 है तो एकाध दूगो रिपीट तो हो ही जाएगा। हाल ही में जारी नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार अपराध के मामले में बिहार कौन सा स्थान पाया? बताया मैंने आपको, 25वें स्थान पाया है। हाल ही में भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले लोक नाटक कलाकार की भिखारी ठाकुर की कौन सी जयंती मनाई गई? 134वीं जयंती मनाई गई, 134वीं जयंती मनाई गई। चलिए, हाल ही में बिहार के किस नदी परियोजना के तहत शामिल किया गया? मैंने आपको बताया है उसमें कोसी मेची परियोजना, लिंक परियोजना, यानी दो नदियों को एक साथ जोड़ा जाएगा। केन बेतवा जो है ये आपका यूपी में हुआ है। दामोदर घाटी परियोजना आपको कर्नाटक वाले साइड में है। सोन नदी घाटी परियोजना के तहत जो है दो नहरें निकाली गई है, पूर्वी सोन पश्चिमी सोन, ठीक है, पूर्वी सोन और पश्चिमी सोन। चलिए, हाल ही में बिहार के जल जीवन हरियाली मिशन के तहत, जल जीवन हरियाली मिशन के तहत हरियाली बढ़ाने के मामले में कौन सा जिला शीर्ष पाया है? अब कौन सा जिला शीर्ष पाया है, ध्यान दीजिएगा, जिसके पास जल होगा और हरियाली नहीं होगी वही आएगा ना, तो गया। इतना गर्मी, इतना ठंडा पड़ता है, 210 तक पहुंच गए हैं, अब 211 पर बढ़ रहे हैं आगे, और आपका काम है इसका आंसर देना। हाल ही में कौन सा स्वैच्छिक रक्तदान स्मार्ट कार्ड बनाने का काम किया है? अगर स्मार्ट कार्ड बनाने का काम खूब कर रहा है बिहार, किसान स्मार्ट कार्ड ले लीजिए, किसान क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, किसान सब ले लीजिए, सब स्मार्ट कार्ड ले लीजिए, ऋण ट्रांसफरान करा लीजिए स्मार्ट कार्ड से। चलिए, नीतीश कुमार 22 दिसंबर से बिहार के किस शहर को समाज सुधार यात्रा शुरू करने वाले हैं? किस शहर से समाज सुधार यात्रा शुरू करने वाले हैं, जिसमें बताएंगे कि समाज शराब से कितना नुकसान होता है, और कितना जगह बताइबो किया है, और चालू हो गया है, मोतिहारी पूर्वी चंपारण से शुरू किए थे, उसके बाद सब जगह बोल के आए, उसके बाद किए कि नहीं अब शराब का जो कानून है उसमें थोड़ा बदलाव कर देते हैं। चलिए, हाल ही में 10 साल से कम उम्र के बच्चों को साक्षरता का संकेतन आधारभूत साक्षरता मतलब साक्षरता और गणना का सूचकांक जारी किया गया है। बड़े राज्यों की श्रेणी में बिहार किस स्थान पर आया है? बाबू साक्षरता की बात हो रही है तो थोड़ा सोच समझ के आंसर दीजिएगा, थोड़ा सोच समझ के आंसर दीजिएगा। आंसर है आपका ये और ऑप्शन है आपका ये, तो बताइए साक्षरता की बात हो रही है तो बाबू 28 में से 28 नंबर पे आएगा, यानी सबसे अंतिम नंबर पे आएगा। ई काम में इसका बढ़ोतरी नहीं हुआ अभी तक। हाँ, टूरिस्ट वाले में बढ़ोतरी किया है। चलिए, प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर कितने औसत कोरोना टेस्टिंग की जा रही है? इसमें सभी से अधिक टेस्ट कराने वाला राज्य कौन सा बन गया है? भाई बिहार पढ़ रहे हैं तो बिहार ही है, ठीक है, बिहार पढ़ रहे हैं तो बिहार ही है। चलिए, हाल ही में देश का पहला कमांड एंड कंट्रोल सेंटर किस राज्य में शुरू किया गया है? हाल ही में देश का पहला कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, बिहार पढ़ रहे हैं तो क्या बिहार मार दें? इतना कमेंट कर रहा है कि बिहार मार दीजिए, लो मार देते हैं बिहार, सही है। चलिए, हाल ही में सूचना अनुसार द्वितीय पक्षी महोत्सव 2022 कलवर का आयोजन बिहार के किस जिले में किया जाएगा? बात बताइए, कलवर, कलवर सुना हुआ नाम लग रहा है, जी हाँ जमुई, सुना हुआ नाम लग रहा है, जमुई नागी डागी, हाँ ठीक है। बिहार सरकार द्वारा कब तक राज्य में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की निर्देश दिए गए हैं? इन प्रीपेड मीटर लगाइए, बिजली का बिल जो है अब मोबाइल के जैसे रिचार्ज कराइए, ठीक है, और बीच में ख़त्म हो जाए तो टॉप अप करा लीजिए, 6 GB एक्स्ट्रा जैसे मोबाइल में कराते हैं। नाम है इसका 2025, काम हो या ना हो लेकिन नाम है। हाल ही में श्रेयसी सिंह की 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप बिहार के कौन है? अच्छा, जमुई की विधायक जो है, हाँ ठीक है ठीक है। 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप बिहार के लिए कौन सी बार स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया, यानी कि अब तक कितने बार वो स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं? तो आप बता दीजिए, एक बार तो यही हो गया और पीछे भी जीतती चली आई हैं। तो पीछे जब वो विधायक नहीं थी तब एक बार जीती थी, विधायक बनने के बाद एक बार जीती हैं, तो दो ही बार जीती हैं। अब कहने का मतलब ये नहीं है कि 8-9 बार जीत चुके हैं ना, इससे पहले आए तो हम तो सुनते नहीं हम लोग। चलिए, हाल ही में लोक
शिकायत निवारण में बिहार का कौन सा जिला अव्वल स्थान लेके आया है? हाँ सुपौल। लोक निवारण का बात हो रहा है, किस पे लेके आया है? सुपौल। हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय को स्विट्जरलैंड की संस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के लिए चयनित किया गया है? बाप सोचने वाली बात है, एक एगो है नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, अभी तिलकामांझी यूनिवर्सिटी मत समझ लीजिएगा। हाल ही में बिहार शिक्षा विभाग द्वारा विद्यार्थियों को डाउट क्लियर करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? शिक्षा विभाग, अगर आपको कोई डाउट है तो डाउट पूछ लीजिए। अब क्या डाउट पूछिएगा आप खुद समझ लीजिए। अब आपके पास कोई डाउट रहा नहीं, क्योंकि BSEB एक ऐसा संस्थान बन गया है जो मैट्रिक का रिजल्ट मात्र 1 महीने में जारी कर दिया है। इंटर का रिजल्ट यानी मार्च महीने में जारी करने का रिकॉर्ड बना दिया है BSEB पटना। चलिए ध्यान दीजिए, पूछ रहा है कि डाउट क्लियर करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। देखो डाउटनर तो बहु प्राइवेट है, स्टूडेंट डाउट पोर्टल ये भी प्राइवेट है, डाउट क्लियर ही फिलो ऐप लॉन्च किया है, फिलो ऐप ये लॉन्च किया है बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने। कितना जमाना हर तरफ मार के आएगा डाउटनेट, डाउटनेट तो प्राइवेट है ना। हाँ तो 2021 नहीं है भाई, 221 है, हो गया बड़े आगे। फिलो ऐप दो बार नजर मार लेना, फिलो ऐप डाउट के लिए। नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट में शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के किस जिले को देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? एक ही है जिला जिसका नाम है मुजफ्फरपुर, और यहाँ के DM बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, उनको भी पुरस्कार दिया गया है शिक्षा के क्षेत्र में। चलिए फूड हाइजीनिंग के मामले में विश्व नहीं है देश के, बार बार विश्व आ जाता है, देश के टॉप 20 शहरों में बिहार के किस जिले को शामिल किया गया है? तो बिहार के किस जिले को शामिल किया गया है, यहाँ पे ऑप्शन है पटना, समस्तीपुर, दरभंगा। आप बता दीजिए आपके अनुसार क्या लग रहा है, फिर हम इसका राइट आंसर बताते हैं। बिल्कुल सही जवाब पटना। हाल ही में बिहार में परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने किस अभियान की शुरुआत की है? देखिए परिवार नियोजन की बात हो रही है, परिवार बढ़ाने की नहीं, उसको नियंत्रित करने की, ठीक है? तो थोड़ा इस बात पे भी चाहिए, सफल कपल अभियान, ठीक है? हाँ सफल कपल अभियान, सफल कपल अभियान। चलिए मुंगेर जिला में एक जगह है जिसका नाम है जमालपुर के किस बच्चे का चयन ग्लोबल चाइल्ड, ठीक है, प्रोडीजी अवार्ड के लिए किया गया है? प्रोडीजी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है, यानी ये अवार्ड उनके लिए आने वाला है, ठीक है? तो वो ये है 225 नंबर, आपके अनुसार क्या हो सकता है आंसर? कमेंट फटाफट कीजिएगा, अगर कमेंट नहीं आ रहा है तो आंसर ले लीजिए, कुमार आयर्स नाम है बच्चे का। चलिए हाल ही में सहरसा के किस खिलाड़ी को इंटरनेशनल लेवल पर स्वर्ण पदक जीतने के उपलक्ष्य में बिहार सरकार ने खेल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया है? 226। अरे अरबाज अंसारी कितना फेमस आदमी है, कैसे भूल जाते हैं आप लोग जी। चलिए आइए, तेलंगाना ने किस राज्य के पंचायत चुनाव तकनीक को अपनाने की घोषणा की है? अरे बिहार ही होगा अपना, ठीक है। आइए बिहार के किस जिले में उड़नी प्रखंड के पहला टॉयलेट क्लिनिक खोलने का घोषणा किया गया है? अच्छा हाँ आया था न्यूज में, ठीक। किस जिले के कुड़नी प्रखंड में पहला टॉयलेट क्लिनिक खोला? अच्छा टॉयलेट क्लिनिक तो आपको पता ही है, बहुत ही चर्चा में था, जगह जगह का नाम है मुजफ्फरपुर, ठीक है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री के लिए बिहार में बिहार का कौन सा स्थान आया है? तो बाबू बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है बिहार, क्योंकि एथेनॉल की प्लांट भी चलने लगा है, तो इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है चौथा नंबर पे आ गया है बिहार गाड़ी खरीदने में। चलिए सुपौल जिला में किस बेटे का चयन नेशनल योगा स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2021-22 के लिए किया गया है? उस बच्चे का नाम है प्रांजल कुमार, बहुत करीब से जानते हैं इसको। चलिए BCCI ने बिहार के नहीं बल्कि बिहार में क्रिकेट डेवलपमेंट करने के लिए कितने करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है? देखिए मैंने बताइए BCCI खाली IPL से कमाएगा इस बार 16,000 करोड़ है, दिया कितना है तो ध्यान दे दीजिएगा। हैं आप प्रधानमंत्री राहत कोष में चला गया 1.10 करोड़, इसका सबसे कम गेस किया है कि सबसे ज्यादा, बीच में कीजिए 10 करोड़ बोल दिए एक बार, फिर भी आप सोच रहे हैं। हाल ही में निर्णय के अनुसार बेंगलुरु की अक्षय पात्रा फाउंडेशन को बिहार के किस जिले में सरकारी स्कूलों में मिड डे मील खाना पहुंचाने का काम सौंपा गया है? यानी वो खाना आप देंगे मिड डे मील, ठीक है।
तो ये है पटना, गांव में जाएगा तो लोग पिटबुल लगेगा। हाल ही में बिहार का कौन सा जिला जल जीवन हरियाली अभियान में 52.02 अंक लाकर प्रथम स्थान प्राप्त किया है, प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो बाबू न दरभंगा है ना बेगूसराय है, इधर आएंगे तो आपको मिलेगा एक समस्तीपुर, समस्तीपुर के साथ एक और नाम मिलेगा जिसका गया। तो आप बता दीजिए कि आपके अनुसार क्या है। तो बाबू गया। हाल ही में बिहार की राजधानी पटना साहित्यिक राजधानी का दर्जा दिलाने की घोषणा की गई है, सूची में पटना के साथ कौन सा शहर शामिल है, कौन सा शहर शामिल है? शामिल है बनारस, शामिल है बनारस। जातीय जनगणना कराने के लिए बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है, जातीय जनगणना कराने की बात चल रही है और इसमें कौन सा बन गया है, दूसरा बन गया है, कौन सा बन गया है, दूसरा, कौन सा बन गया है, दूसरा। हाल ही में नेशनल फिट्स बॉल चैंपियन की मेजबानी किस राज्य सरकार को मिली है, किस राज्य सरकार को मिली है? फिस्ट बॉल चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो भाई बिहार पढ़ रहे हैं तो बिहार ही करेगा। हाल ही में घोषणा के अनुसार किस नदी में जेपी सेतु के समानांतर 14वां पुल निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा? अब ध्यान देने वाली बात है, हाल ही में किस नदी पर जेपी सेतु के समानांतर, तो जेपी सेतु आपको पता ही है किस पे है, तो जेपी सेतु है गंगा पे, जेपी सेतु वही आपका जो दानापुर साइड आता है, ठीक है, पाटलिपुत्रा वाला रेलवे स्टेशन वाला, वो है जेपी सेतु है। कौन सी विश्वविद्यालय के पीजी जूलॉजी विभाग के एक्वाफोनिक्स लेबोरेटरी की शुरुआत की गई है? अब एक्वाफोनिक्स लेबोरेटरी, ये एक्वा एक मतलब पानी से जुड़ा हुआ है और फोनिक्स की मतलब होते हैं खेती, और लेबोरेटरी की शुरुआत की गई है, और आप बताइएगा इसका सही आंसर, इसका ही आंसर है तिलका मांझी यूनिवर्सिटी जो भागलपुर में है। चलिए, हाल ही में बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2021 के तहत आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की उम्र सीमा कितनी कर दी गई है? बाबू हम पढ़ रहे हैं बीपीएससी, ठीक है, बीपीएससी, और ये होता है बिहार टेक्निकल, ठीक है, सर्विस कमीशन, तो बीटीएससी के संशोधन हुआ है, अब बीपीएससी का संशोधन नहीं हुआ है, बीटीएससी का संशोधन हुआ है, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताइए, हमको पता है आप नहीं बताएंगे, और इसका आंसर हो जाएगा 70 वर्ष, 80 कर देना चाहिए, जीवन भर उसी पद पर रहते हैं। चलिए 240, बिहार के किस प्राचार्य को एजुकेशन आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? चलिए जल्दी बताइएगा, 240 विनोद कुमार को। बिहार के किस जिले में 11 से 13 दिसंबर के बीच आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया जाएगा, आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया जाएगा? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं आपको स्टार मार्क कर देता हूँ, मे बी आस्क, आयुर्वेद पर्व, ठीक है, छठ पर्व कभी कभी पूछा हुआ है, लेकिन इस बार आयुर्वेद पर्व पक्का पूछेगा नालंदा में। हाल ही में किस महिला ने निशानेबाजी में राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? राष्ट्रीय चैंपियनशिप कौन जीता है? अभी थोड़ा देर पहले चर्चा शुरू किए थे, स्वर्ण पदक जीती है ना, श्रेयसी सिंह विधायक हैं, कहाँ की, जमुई की। चलिए, हाल ही में मधुबनी के किस अंतर्राष्ट्रीय पैरा तैराक को राष्ट्रपति ने नेशनल बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द अवार्ड से सम्मानित किया है? स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द से सम्मानित किया है, इसका व्यक्ति का नाम है शम्स आलम, नाम क्या है, शम्स आलम। चलिए, हाल ही में कौन सी संस्था के द्वारा भू अभिलेख के डिजिटलाइजेशन एवं आधुनिकरण के लिए बिहार को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए उस राज्य को घोषित किया गया है? किसने घोषित किया है, कौन सी संस्था ने घोषित किया है? बात हो रहा है भू अभिलेख डिजिटलाइजेशन, यानी आपका जितना भूमि है वो डिजिटल कर दिया जाएगा और आप वहीं से नक्शा भी देख सकते हैं, ठीक है। इसका नाम है NCEAR, अब आप इसका फुल फॉर्म हमें कमेंट में बताइएगा, ठीक है। केंद्र के स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बिहार के कितने शहरों का निर्माण तेजी कर कार्य तेजी लाने के लिए वास्तविक अर्थों पर स्मार्ट बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं? ये स्मार्ट सिटी तो केंद्र सरकार बना रहा है, लेकिन बिहार में कब तक बनेगा और कब तक होगा, इस बात की सूचना
अभी जारी किया गया कि भाई तुम तेजी कीजिए, 4 को जो शहर है उतनी जल्दी कीजिए, सब लोग स्मार्ट सिटी बना के आगे निकल गया, बिहार पिछड़ा हुआ है। चलिए हाल ही में बिहार सुरक्षित यात्रा के लिए कहाँ, सुरक्षित यात्रा के लिए कहाँ एक संस्था का निर्माण किया जाएगा, कहाँ पे एक सुरक्षित यात्रा करें आपको एक संस्थान का निर्माण किया जाएगा, तो 246 का बात हो रहा है, ये जगह है मोकामा। हाल ही में बिहार में जीविका योजना की समीक्षा बैठक किसके द्वारा की गई? देखिए जीविका आयोजना जो भी होता है, यानी जीविका के तहत जो भी योजनाएं चलती हैं उसका जो मतलब अध्यक्ष होता है वो होता है ग्रामीण विकास मंत्री। वो कौन होता है? ग्रामीण विकास मंत्री, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर, ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्री। चलिए हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में 44वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता है? अब अभी पढ़ रहे हैं बिहार, पढ़ रहे हैं बिहार, तो जीता होगा किसने? बिहार ने, तभी तो क्वेश्चन आया है, तो बिहार ने जीता है। हाल ही में नवादा के किस पत्रकार को मीडिया फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? मीडिया फेलोशिप सतीश कुमार को, तो बहुत फेमस व्यक्ति है। चलिए बिहार विनियोग विधेयक के तहत विनियोग की राशि में शिक्षा विभाग की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी तय की गई है? यानी बिहार में जो डिस इन्वेस्टमेंट होगा, यानी बी नियोग राशि होगी, उसमें शिक्षा विभाग को कितना पैसा दे दिया जाएगा? ऐसा ही ले लेना 33%, यानी 1/3, यानी 1/3 हिस्सा किसको जाएगा? शिक्षा विभाग को। हाल ही में बिहार का कौन सा शहर पहला कचरा मुक्त शहर बन गया है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया की बात है, और जगह का नाम है सुपौल। स्वच्छ मिशन, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत बिहार का कौन सा शहर सबसे अधिक प्रदूषित रहा? बहुत ही फेमस जगह है, नाम है बिहार शरीफ। चलिए कोई कमेंट कर रहा है मुंगेर, बाबू मुंगेर नहीं बिहार शरीफ, ठीक है, मुंगेर नहीं बिहार शरीफ। हाल ही में बिहार के किस वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार को हिंदी भूषण श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? चलिए 253 नंबर पे आइए, भूषण श्री पुरस्कार की बात हो रही है, और भूषण श्री पुरस्कार जो है वो दिया गया है सुनील सौरभ जी को, सुनील सौरभ जी को। चलिए हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मेघा दिवस समारोह 2021 का आयोजन किया गया है? पढ़ रहे हैं बिहार, मारेंगे बिहार। हाल ही में जारी बिहार डिस्ट्रिक्ट एड्स कंट्रोल सोसाइटी के रिपोर्ट के अनुसार पटना के कितने प्रतिशत HIV संक्रमित महिलाओं में स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया है? स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया, इसका मतलब उनके बच्चों को HIV नहीं है, 86%। चलिए यानी 100 में 86 लोग बच्चे जो ऐसे हैं जो स्वस्थ पैदा हुए हैं, 14 लोगों को ही एड्स संक्रमित पाया गया है। चलिए नेशनल पिकल बॉल प्रतियोगिता में बिहार के खिलाड़ियों में कितने मेडल अपने नाम किए हैं? कितने मेडल अपने नाम किए हैं? तो कुछ लोग सोच रहे हैं नहीं, 3 मेडल, बढ़िया परफॉर्मेंस दिया था इन्होंने। हाल ही में नवादा के किस व्यक्ति को स्काउट एंड गाइड से जुड़े के लिए उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति द्वारा ये सम्मान दिया गया है? पहले स्काउट एंड गाइड होता था, अब NCC आ गया उसके जगह पे, ठीक है, नाम है शशि वर्मा। चलिए बिहार का कौन सा जिला देश के सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार जिला बन गया है? बहुत ही न्यूज में आया था, ठीक है, और जानते हैं जमुई। चलिए बिहार के किस व्यक्ति को साहित्य सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए द्वितीय रविनेश कुमार वर्मा स्मृति सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? 259, नाम है इनका आस्था दीपाली। हाल ही में नवादा के किस भ्रष्ट पत्रकार को किस नवादा के किस पत्रकार को मीडिया फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था, नाम है सतीश कुमार। चलिए हाल ही में सिल्क सिटी के रूप में भागलपुर को विकसित करने की जिम्मेदारी किस जिला के उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक संजीव कुमार वर्मा को सौंपी गई है? यानी पर्सन वही है, केवल जिला बताना है आपको, कितना बड़ा जिला है, पूर्णिया बगले में है उसके ऊपर साइड में। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक कुपोषित लोगों की संख्या किस राज्य में सबसे ज्यादा है? पढ़ रहे हैं बिहार, तो मारेंगे बिहार। हाल ही में बिहार के किस जिला के जिला प्रशासन ने शुद्ध हवा
और आगे का जो बात है वो नीचे है। शुद्ध हवा एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए जापानी तकनीक से पौधा लगाने का निर्णय किया है। जापानी तकनीक से पौधा लगाने का निर्णय लिया है, वो निर्णय लिया है सासाराम में। चलिए, नीति आयोग के तरफ से हाल ही में जारी सूचना के अनुसार, यानी सूचना नहीं एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है? पढ़ रहे हैं बिहार, तो मारेंगे बिहार। यह शिक्षा में भी गया और गरीबी में भी गया। हाल ही में किस राज्य में देश का पहला ज्योतिषी चिकित्सा ओपीडी की शुभारंभ की गई है? पढ़ रहे हैं बिहार, तो मारेंगे बिहार। हाल ही में बिहार और उत्तर प्रदेश के कितने गांवों की अदला बदली का जारी करने के लिए दोनों राज्यों ने सहमति बनाई है? देखो, अब राज्य भी अदला बदली करेंगे कि तुम ये गांव ले लो, यानी कुछ ऐसा होगा जो यूपी वाला बिहार में चल जाएगा, बिहार वाला यूपी में चल जाएगा। और सात गो गांव है, कौन सा गांव है? सात गो गांव है जो चला जाएगा यूपी में, आपस में अदला बदली हो जाएगा। ठीक है, तो आइए, हाल ही में बिहार के कितने बाल वैज्ञानिकों का चयन राष्ट्रीय साइंस कांग्रेस प्रतियोगिता के लिए हुआ है? ये डेटा आपको याद करना है क्योंकि इसमें बहुत ही कंफ्यूजन होगा लोगों को। 50 है, ठीक है, 268। आइए, हाल ही में बिहार की जागृति श्रृंखला नीति आयोग की निर्देशक बनाई गई है, बिहार के किस जिले की रहने वाली है? यानी यहाँ पर दो क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग की निर्देशक कौन बनी है? जागृति श्रृंखला है कहाँ की? बिहार की। अब बिहार में इसका क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है कि किस जिले की रहने वाली है? अगल बगल में कोई हो तो अपने कमेंट कर दीजिएगा, नहीं पता है तो जान लीजिए, अररिया की है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक कुपोषित लोगों की संख्या किस राज्य में है? तो हमने आपको बताया, पढ़ रहे हैं बिहार, तो मारेंगे बिहार। चलिए, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बाल और किशोर की मृत्यु दर की श्रेणी में बिहार कितने स्थान पर है? जरा सोच समझिएगा, हाँ, कितने स्थान पर है या दूसरे नीचे से दूसरे पर है? चलिए, बिहार के किस जिले की हाल ही में 2000 से अधिक लोगों की बैठने की क्षमता वाले कन्वेक्शन सेंटर का निर्माण किया गया? यानी ऐसा जगह जहां 2000 लोग आसानी से बैठ सके, वो कौन सा जगह पर जो है एक माने ऑडिटोरियम बनाया जा रहा है, ठीक है, जहां 2000 लोग एक साथ बैठेगा, समझे? कितना लोग? 2000 लोग। आई कहाँ बनाया जाएगा? जहाँ पे सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे वहीं ना बनाया जाएगा। हाल ही में बिहार के किस इंस्टीट्यूट ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के साथ सह साइंटिफिक सेंटर स्थापित करने की बात पर समझौता किया है? ठीक है, ये किया है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT पटना। चलिए, अब बढ़िए आगे। हाल ही में बिहार परिषद में किस एप्लीकेशन का उद्घाटन किया गया जिसके बाद बिहार विधानसभा डिजिटल व्यवस्था देने वाला देश का पहला सदन बन गया? आपने इसका नाम सुना होगा, इसका नाम है ई विधान एप्लीकेशन। चलिए, बीते 17 सालों में बिहार की दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़कर कितने लाख टन हो गई है? इसमें बहुत बड़ा उछाल आया है, मैंने रिकॉर्ड तोड़ा है, ठीक है, 104.83 लाख टन। ऐसा ही मछली वाला में भी हुआ है, ठीक है। बिहार के आदिवासी समुदाय पर केंद्रित किस फिल्म को हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कृत किया गया है? ठीक है, बिहार के आदिवासी समय पर बात चल रहा है, ठीक है, अभी भीम फिल्म आया था वो मत सोचिएगा, ठीक है, बात हो रही है बिहार की, बिहार से आए तो उम्मीद द होप, यही फिल्म है जो फिल्म फेस्टिवल हैदराबाद में इसको
पुरस्कृत किया गया था। मधुबनी के किस निवासी को महाराष्ट्र हलचल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? महाराष्ट्र हलचल अवार्ड, तो प्रमोद झा, पेपर में भी आया था इनका नाम। बिहार के किस कर्नल को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है? देखिए, मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है कर्नल संतोष बाबू को, कर्नल संतोष बाबू को। हाल ही में फ्रेंडशिप कप पिकल बॉल प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब बिहार के किस राज्य को हरा कर जीता है? यानी इस खिताब को जीतने के लिए आपसे पूछ रहा है कि कौन से राज्य को हराया था, तो वो सिक्किम को हराया था। हाल ही में राज्य सरकार ने, यानी हाल ही में राज्य सरकार के राज्य के उद्योग मंत्री ने किसके तर्ज पर दरभंगा हाट बनाने का निर्णय लिया है? तो ये दिल्ली में जो दिल्ली हाट है उसी के अनुसार दरभंगा हाट भी बनेगा। चलिए, किस राज्य की सरकार द्वारा क्रोमियम पोटेशियम खनन के लिए नई कार्य योजना बनाई जा रही है? तब आप पढ़ रहे हैं बिहार, तो मारेंगे बिहार। चलिए, हाल ही में बिहार के शिवहर जिले में कौन सी प्रत्याशी कम उम्र में ही मुखिया बनने वाली बिहार की पहली उम्मीदवार बन गई है? ये लड़की है, शिवहर जिला की है, ठीक है, और युवा है, और इस लड़की का आपको नाम बताना है, ठीक है, इस लड़की का आपको नाम बताना है। नाम है अनुष्का कुमारी, ठीक है, नाम है इसका अनुष्का कुमारी। ये इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है, क्योंकि अभी ही इलेक्शन ख़त्म हुआ है, पूछ सकता है। चलिए, हाल ही में जमालपुर के किस व्यक्ति को उनके द्वारा लिखित पुस्तक स्ट्रगल इन लाइफ को मैजिक बुक ऑफ द रिकॉर्ड में मल्टी टैलेंटेड अवार्ड ऑफ बेस्ट अचीवर अवार्ड से नवाजा गया है? बहुत बड़ा अवार्ड दिया गया है, इतना बड़ा अवार्ड नहीं पूछेगा, ठीक है, 282, इतना बड़ा अवार्ड नहीं पूछेगा, लेकिन हमको नाम पता है इसलिए हम आपको बता देते हैं, घनश्याम शाह जी हैं, ठीक है। हाल ही में बिहार के किस युवा वैज्ञानिक और उनकी टीम ने बैक्टीरिया की पहचान करने के लिए नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया है? नाम है इनका डॉक्टर उज्जवल वर्मा। चलिए, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए घोषित 2021 अवार्ड में से बिहार के कितने जिलों को बेस्ट सिटीजन फीडबैक अवार्ड, कौन से जिले को बेस्ट सिटीजन फीडबैक अवार्ड मिला है? तो ये मिला है सुपौल को। हाल ही में बिहार के अरबाज अंसारी ने युगांडा में पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता, वो कहाँ के रहने वाले हैं? मैंने आपको पहले ही बताया था, वो सहरसा के रहने वाले थे। हाल ही में आई स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 में की रैंकिंग में 10 लाख से अधिक आबादी वाले 48 शहरों में पटना कितने नंबर पे है? सोचिए, 48 गो शहर हैं, पटना का पूछिए लिया है, अब दिया है ऑप्शन 42, 43, 44, 45, माने कुल मिला के बढ़िया जगह पर होगा, कुल मिला के जो है एक बढ़िया जगह पर होगा, मेरे ख्याल से शायद 42वां स्थान पे था, 42वां नहीं है, सॉरी सर, 44वें स्थान पर है। चलिए, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा 9 करोड़ की लागत से कौन सी योजना को पुनः जीवित किया जाएगा? आपने याद सुना होगा, सतघरवा जलाशय योजना। हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? अब पूरा बिहारे का पूछ रहा है, ठीक है, उधर पटना का पूछ लिया, अब एक तरह से पूरा बिहारे का पूछ रहा है, तो पढ़ रहे हैं बिहार, मारेंगे बिहार, 13वां स्थान मिला है। हाल ही में बेटियों की सुरक्षा हेतु, यानी सुरक्षित रखने के लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने किसके साथ मिलकर 12 फिल्में तैयार की है? यूनिसेफ, बात हो रही है बच्चों की, बेटियों की, तो यूनिसेफ सबसे आगे रहता है इसमें। हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार का पहला एक्सप्रेसवे कहां से कहां तक बनेगा? पटना से दिल्ली, ऐसा हो सकता है क्या? पटना से दिल्ली जाना है तो यूपी होकर नहीं जाना पड़ेगा, पटना से कोलकाता जाएंगे एक्सप्रेसवे से। हम लोग कहां जाएंगे? हम लोग उधर जाएंगे, पटना से कोलकाता। चलिए, हाल ही में भागलपुर मंदार हिल से दुमका रेलखंड तक राज्य की कौन सी पहली बिजली से चलने वाली ट्रेन का संचालन किया गया है? थोड़ा ध्यान रखिएगा, भागलपुर का मंदार हिल और दुमका का रेलखंड,
अब पूछ रहा है कि इन दोनों में बिजली से चलने वाला पहला ट्रेन कौन है। तो पहला ट्रेन बहुत ही नाम फेमस है, कवि गुरु एक्सप्रेस, कवि गुरु एक्सप्रेस। चलिए, हाल ही में जारी स्वतंत्र थिंक टैंक इंडिया पुलिस फाउंडेशन रिपोर्ट के अनुसार पुलिसिंग में देश भर में बिहार कितने पायदान पे है। तो अब शीर्ष पर छोड़ ही दीजिए, दूसरा पर छोड़ ही दीजिए, आगे देख लीजिए कितना पर दिया है, कितना पे दिया है बाबू, ये देखिए, खुश हो जाइए, सबसे पीछे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कृषि विश्वविद्यालय की 21 मिनट की कौन सी फिल्म को 5वीं राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। कुछ देर पहले ही चर्चा किए थे, उम्मीद द होप, बना किस पे है, आदिवासी पे। हाल ही में बिहार निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग का अपर मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो ये है के पाठक जी। हाल ही में बिहार के किस स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी को राष्ट्रपति द्वारा ध्यान चंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आपको जानकर ये खुशी होगी, इस व्यक्ति का नाम है प्रमोद भगत। अभी शायद ये यूपी के गौतम बुद्ध नगर में कलेक्टर है, ये शायद वहाँ कलेक्टर है, और पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं आई थिंक। चलिए, हाल ही में सासाराम के किस व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद ने चेतन चौहान स्मृति सम्मान से सम्मानित किया है। रवि भूषण पांडे जी को किया गया है। हाल ही में कविता के लिए प्रति वर्ष दिया जाने वाला प्रतिष्ठित भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, अच्छा अग्रवाल पुरस्कार, बिहार के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है। तो आपको याद रखना है कि फिरदौस जी हैं, सुधांशु फिरदौस। हाल ही में बक्सर जिला के किस साहित्यकार को ईश्वरी प्रसाद साहित्य स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है। प्रेम कुमार शर्मा जी का नाम आप याद रखिएगा। हाल ही में पूरी दुनिया में पहचान बना चुका बिहार का मखाना का नाम जीआई टैग में किस नाम से जाना जाएगा, किस नाम से जीआई टैग के नाम से जाना जाएगा, पूरी दुनिया में उसका मखाना मशहूर है, ठीक है। तो याद रखेगा, इसका नाम रखा जाएगा मिथिला मखाना, इसका नाम क्या रखा जाएगा, मिथिला मखाना। हाल ही में बिहार के किस जिले में पहला बटरफ्लाई पार्क बनाने की घोषणा की गई है और बनाया जा रहा है। तो याद रखिएगा, रोहतास में। चलिए एक क्वेश्चन और लेंगे, इसके बाद स्थापित करेंगे इसको। बिहार सरकार ने गांधी जयंती के अवसर पर कितने लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य किया था, टीका लगाने का लक्ष्य किया था कि अब पूरा हुआ आ कि नहीं हुआ नहीं पता, लेकिन टारगेट था 35 लाख। चलिए, इसमें हमने 200 क्वेश्चन देखे हैं, लेकिन वीडियो हो जाएगा लंबा, इसलिए यहाँ को रखते हैं, यहीं पर स्थापित करते हैं इसको। लेकिन आपके पास ऑप्शन है, आप 2 की स्पीड में देखिए।